नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। मैं हूं प्रज्वल और वक्त हो चुका है इस वक्त की 20 बड़ी खबरों का। आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 29,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए आज अहम दिन। दिग्विजय सिंह भर सकते हैं नामांकन। सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे केसी वेणुगोपाल। दिग्विजय सिंह से चिदंबरम कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली पहुंचे अशोक गहलोत। सोनिया गांधी से आज होने वाली मुलाकात तय करेगी भविष्य। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयंती पटनायक का 90 साल की उम्र में निधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया शोक। अहमदाबाद में गरबा में नाम बदलकर घुसे मुस्लिम लड़के। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की पिटाई। अंकिता भंडारी केस। SIT ने पुलकित आर्य को कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई। PFI का ट्विटर अकाउंट बैन। सरकार की शिकायत पर ट्विटर इंडिया का एक्शन। ओडिशा के बालासोर में फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक। 25 से ज्यादा मजदूर बीमार। गोगी गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार। टिल्लू ताजपुरिया गैंग से बदला लेने की फिराक में थे दोनों। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पार्किंग में खड़ी बस में हुआ धमाका, 2 लोग घायल। धौलपुर में भारी बारिश से ढहा मकान। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। कानपुर में किशोर की अपहरण के बाद हत्या। गंगा बैराज के पास तालाब में मिला शव। पालघर में पावर कंपनी में लगी आग। 3 की मौत और 8 लोग हुए घायल। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,272 नए मामले आए सामने। 4,474 लोग हुए रिकवर। लगातार 6 सत्र में गिरावट के बाद आज बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। 500 अंक चढ़ा सेंसेक्स। पहले T20 मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने इराक के उत्तर पूर्वी कुर्दिस्तान में किया मिसाइल अटैक। 13 लोगों की मौत। पाकिस्तान के कराची में क्लिनिक के अंदर फायरिंग। 1 चीनी नागरिक की मौत, 2 अन्य घायल। भूकंप के तेज झटकों से कांपा दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह। रिक्टर स्केल पर 7.0 रही तीव्रता। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी .com।